हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने दिन में ब्लॉग आपको बताया था कि हमने वो रेडी रूडी कर दिया था जो दुल्हन को लेके आने वाला था स्टेज तक, जो चुन्नी होती है वो हमने रेडी कर दी थी। तो अभी बारात आ चुकी है और अभी यहाँ पे फोटोशूट चला हुआ है। अभी यहाँ पे रिबन कटेगा और यहाँ पे पैसे लिए जाएंगे सालियों के द्वारा दूल्हे से, और फिर तभी उन्हें दूल्हे को अंदर जाने दिया जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और रिबन कटेगा, उसके बाद तभी जाएंगे अंदर सभी। देख सकते हैं अभी यहाँ पे फोटोशूट चला हुआ है, जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद चलेंगे हम अंदर को। कुंभ में डालो, कोई बात नहीं, ये देखो तब तक दोस्तों। यहाँ पे बड़ी देर बहस चली तो उसके बाद यहाँ पे डिसीजन हुआ कि कुंजा 100 रुपये देंगे, मतलब डिमांड थी कुंजा 1000 की और कुंजा 100 रुपये इन्होंने दिए सिर्फ। देख सकते हैं अभी आंटी यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ कुंजा 100 रुपये दिए है भाई, वो बहुत गलत बात है। कुंजा 1000 मांगने के बाद सिर्फ कुंजा 100 रुपये दिए। दोस्तों ये देख सकते हैं सामने आप में, यहाँ पे मंडप तैयार किया गया है, मंडप के पिलर लगाए हैं जैसे घरों में पिलर होते हैं वैसे हैं, और पूरा फूलों से डेकोरेट किया है साइड से। तो दोस्तों अभी अंदर स्टेज पे दूल्हा पहुँच चुका है और दुल्हन का वेट हो रहा है, क्योंकि अभी जयमाला हो जाएंगी, क्योंकि जो विधि विधान है, जो लगन है वो है बहुत देर के हैं रात को। तो यहाँ पर डिसीजन यह लिया गया कि जयमाला पहले हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं जो हम दिन में डेकोरेशन की थी उसकी, तो कुछ इस तरह की देखने को लग रही है। अब तो ठीक ही लग रही है, फिर देखने के वक्त उतनी सही नहीं लग रही मुझे देखने को।
तो दोस्तों अभी दूल्हे और दुल्हन का फोटो शूट चला हुआ है यहाँ पे। और भाई फोटोग्राफर का भाई परेशान कर देते हैं शादी में, कि जैसे अभी दुल्हन एक स्टेप चढ़ रही है यहाँ पे स्टेज पे चढ़ने के लिए, एक स्टेप है पौड़ी जैसी बनाई है यहाँ पे, पौड़ी जैसी नहीं बल्कि पौड़ी ही है बनाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे कि एक स्टेप चढ़ रहे हैं तो उसका फ़ोटो खींचे जा रहे हैं और वीडियो बनाई जा रही है, भाई परेशान कर देते हैं फोटोग्राफर सच में। तो दोस्तों भी एक और बात आपको मैं बताऊं, फोटोग्राफर उतना परेशान नहीं करते वीडियो बनाने के लिए, लेकिन जो ये लोग होते हैं ना, जो रिश्तेदार और कुछ होते हैं रिश्तेदार कुछ बराती, जो मेरे को वीडियो बनाने नहीं दे रहे यहाँ पे, और कुछ बीच से बोल रहे कि भैया यहाँ पे नहीं खड़े हो, यही बात है कि मैं आपको बीच बीच में शॉट बताता रहूँगा बीच बीच के। तो दोस्तों जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब बारात आई थी, जब गेट पे दुल्हन की सिस्टर ने दूल्हे से पैसे लिए थे तभी उसे अंदर आने दिया था, तो अब यहाँ पे वैसा ही हो गया है कि जैसे स्टेज पे आए हैं जय जय माला के लिए, तो यहाँ पे स्टेज पे जो सोफ़ा लगा होता है उस पर दूल्हे की सिस्टर बैठ गई हैं, अब ये नहीं उठ रही हैं, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो दोस्तों हेमानी दीदी दुल्हे की सिस्टर की गोद में बैठ गए हैं, और दुल्हे की एक और सिस्टर हेमानी दीदी की गोद में बैठ गई है अब।
तो दोस्तों अभी कंट्रोवर्सी ख़त्म हो चुकी है और दूल्हे की साली नहीं सॉरी दूल्हे की सिस्टर ये स्टेज छोड़ के जा रही है यहाँ से। तो दोस्तों अभी जय मेला होने वाली है, अभी यहाँ पे थोड़ा जैसा फ़ोटोशूट चला है, आप फ़ोटोशूट देखिए और उसके बाद यहाँ पे जय मेला हो जाएगी अभी कुछ ही देर में।